हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ, आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। ये जो 100 बेस्ट पजल सीरीज जो चला है ना, आज का बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। एक बार ट्राई करके देखना, ना मजा आए तो आप फिर कहना, है ना। आज का जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ना, ये अगर एग्जाम में अगर आता है तो भाई 80% जो बच्चा है ना, वो इसको देख करके छोड़ देगा। एक लाइन है ना, उसको देख करके छोड़ देगा। 20% में ना 10% जो है ना ट्राई करेगा, है ना। 10% ट्राई करेगा लेकिन बनेगा नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कुछ भी इशू हो सकता है। 10% बच्चा जो होगा ना वो बना लेगा। तो पता है ना रिजल्ट कितना का आता है? 10% तो मैं बहुत ज़्यादा कह दिया, है ना। आपको भी ट्राई करना है एकदम, है ना, कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो आज जो चलिए क्वेश्चन पहले दिखाई देते हैं एकदम, है ना, बेसब्री से इंतजार। देखो यहाँ पे जैसे अनसर्टेन वाला है, जैसे क्या कहा जा रहा है कि फ्यू पर्सन सा, जैसे ही ये देखेगा ना, लोग देखे छोड़ के स्किप कर देता है एकदम, कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसमें क्या पूछा गया है नहीं पूछा गया, कि फ्यू पर्सन सा। अब देखिए मैं इसको कैसे इजिली इसको बना के दिखाता हूँ आपको, वापस देखना एकदम पूरा, है ना। पहले मैटर समझ लेते हैं कि फ्यू पर्सन सा वे आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल के आसपास में बैठा हुआ है, ठीक है। सब ना सेंटर को फेस कर रहा है, तो ये तो उसमें दिया ही रहता है, बात इससे नहीं अटकता है, ठीक है। एंड द चेयर वेयर केप्ट एट द इक्वल डिस्टेंस, सब ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द सर्किल वॉज ऑड नंबर, जितना टोटल नंबर होगा ना वो ऑड नंबर होगा, बट नॉट मोर देन 18, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया कि 18 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब आप क्या करोगे? अब सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए ना कि दो सर्कल बना लेते फटाफट एकदम, यहाँ से करें, चलो एक सर्कल यहाँ पे हो गया, दूसरा सर्कल यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखो बनाने के लिए ना, अब हम कहाँ से बनाए? अब क्या इसमें मतलब अगर 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर पे है, तो क्या इसमें 17 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, या फिर 13 कर सकते हैं, 11, कितना पता चला? पॉसिबिलिटी एकदम लाइन भरमार लग गया है। लाइन देखो ना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वाई एंड वी वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वाई वॉज थ्राइस एज दैट द नंबर प्रोसीजर वाई एम वॉज, मतलब ये लाइन सब इसे उलूल जुलूल दिया हुआ है ना, देखिए कि बच्चा फंस जाएगा इसमें, है ना। फंसना लाजिम है एकदम, है ना। तो आइए इसको आप फंसा हुआ जो है ना उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब कहाँ से शुरू कर सकते हैं? वी और एम नेबरिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं ना, ठीक है। एफ वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, हाँ ये कर सकते हैं, या फिर और कुछ दिया हुआ है क्या? वी वॉज थर्ड टू द राइट, हाँ ये भी कर सकते हैं। देखो नीचे का जितना मैटर है ना, आप किसी को लेकर के आप उठा कर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबका चर्चा किया हुआ है। तो चलिए हम कर लेते, नहीं तो वी वाले के ही उठाते सबसे पहले। क्या कहा जाए कि वी वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, देखो दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, भी वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ एस। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको बैठाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इस वाले केस में भी एस को यहाँ पे बैठाते हैं, 1 2 3, वी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला वी वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ये हो गया। चलो अब आगे क्या बोला गया कि वी, ये देखो एक लाइन ये बोला गया था ना कि वी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, वी जो है ना एम के इमीडिएट लेफ्ट में, इसका मतलब है कि एम यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले केस में एम यहाँ पे हो जाएगा। बहुत अच्छा स्मूथली दोनों आपस में चल रहा है। ए वी लाइन वही बोला था कि वी एम नेबरिंग है इच अदर, कोई बात नहीं। एफ वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, अभी एफ और जे का चक्कर कहाँ से आ गया? टू पर्सन बिटवीन जे और एस के बीच में। अच्छा देखो जे और एस के बीच में, इसका मतलब है इधर तो जे होगा नहीं, तो एक दो और जे को यहाँ पे बैठा देते हैं, इस वाले केस में भी 1 2 जे को यहाँ पे बैठा देते हैं। अभी ये सब लाइन स्मूथली चल रहा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। और एफ के बारे में क्या बोला कि एफ वाज सीटेड इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ जे, इसका मतलब है कि एफ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में एफ हो गया यहाँ पे हो गया, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट सारा इधर के हो गया क्लियर, एफ वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे हो गई, ये भी हो गया। बी वॉज थर्ड टू द, हाँ अब एक्स को लेकर के है क्या, एक्स वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, एक्स एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ,
देखो एक्स जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इसका मतलब है कि एक और दो क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इस वाले केस में भी एक दो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है चलो। लेकिन एक लाइन यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ कि एक्स वाज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू जो है ना, अब क्यू एक बात बताओ, क्यू को हम कहाँ पे बैठा है, क्यू को हम कहाँ पे बैठा सकते हैं। लेकिन इतना तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा एकदम है ना, हो सकता है कि हाँ नहीं। लेकिन देखो अगर थोड़ा सा इस बाटली खेलोगे ना, तो एफ का ये है ना, तो आप ना एक काम करो, क्यू को जैसे एफ जो था ना यहाँ पे, एफ वाला जो कहाँ गया यहाँ पे, भाई एक्स ना, एक्स वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ पे आप कर ही दो इसको, क्योंकि कभी भी आएगा तो यहीं पे ही आएगा, एक्स वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, इस वाले में भी एक्स वाज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, इतना आप कर ही दो, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब यहाँ पे अब इतना तो सारा मैटर ही हो गया ना, ऊपर का लाइन है, अब इस लाइन को क्लियर करना है कि द नंबर ऑफ पर्सन वाई और वी के बीच में, ठीक है, वेन द काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वाई, जब वाई के राइट से काउंट करते हैं ना, तो तीन गुना है, इसके ऊपर फोकस करना है, तीन गुना है दैट द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन वाई और एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई। बात समझ में आया कि वी और वाई जो है ना, ठीक है, वी और वाई के बीच में जो है, और वाई और एम के बीच में, तो यहाँ पे वाई के राइट से देखना है, तब वाई मतलब वी और वाई वाले केस में वाई के राइट से देखना है वी, और वाई और एम वाले केस में वाई के लेफ्ट से देखना है, और इसका तीन गुना भी होना चाहिए। तो अभी कितना इसमें लोग हो गया, एक बार काउंट करके देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है, इसमें भी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह लोग हो गया ना। चलो अब तेरह लोग हो गया तो एक बात बताओ, तेरह लोग हो गया ना, तेरह लोग हो गया तो अब हम ये वाई और वी का चक्कर देखते हैं ना, तो वी है मतलब वी का चक्कर है बाबू भैया, है ना। तो चलो देखो, वी अगर यहाँ पे अगर आ गया, ठीक है, वी अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो हम वाई को कहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये भी बात ध्यान में रखना है ना कि 18 से कम है ना, तो यहाँ पे 17 हो सकता है, 15 हो सकता है ना, यही दोनों होगा ही होगा, तो मान लेते हैं। अच्छा ये तीन गुना का चक्कर क्या है, तीन गुना का चक्कर ये है, देखो तीन गुना या तो ये कहा जा रहा है वाई और वी के अगर कहाँ गया, अगर या तो एक या फिर तीन या फिर तीन या फिर दो या फिर छः या फिर तीन या फिर नौ या फिर ऐसे ना, तीन गुना होता है, ठीक है, या फिर चार या फिर बारह, ऐसे ही तीन गुना होता है, ठीक है। तो देखो हमको 18 से ज़्यादा भी नहीं करना है। अच्छा ये वाला तो दोनों होगा ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये देख लो, कि अगर मान लेते हैं कि देखो वी और एम के वाई और एम को लेकर के करते हैं ना, वाई और एम को लेकर के, तो बात क्या है ना कि अगर वाई को अगर हम इधर करते हैं तो ये वाला तो इधर हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि वाई को अगर हम यहीं पे बैठा देते हैं तो वाई और वी के बीच में तो एक दो तीन तो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वाई को करते हैं ना, तो वाई और एम के बीच में तो एक ही होना चाहिए, तो इतना तो बहुत सारा है, ये वाला फुलफिल नहीं होगा। अगर आपके मन में आता है कि दो और ये सिक्स वाला करते हैं ना, तो ठीक है चलो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे इंगेज है तो होगा ही नहीं, तो मजबूरी है तीन और नौ वाला ही करेंगे, तो नौ वाला मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ यहाँ पे हो गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे वाई को यहाँ पे बैठा देंगे, मतलब वाई और वी के बीच में अगर नौ है ना, तो वाई और एम के बीच में तीन होना चाहिए, तो एक तो है यहाँ पे, दो और तीन ही हो गया, है ही नहीं है, ये दोनों 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 तो सेम ही चल रहा है। इस वाले केस में अगर देखते हैं तो सेम ही तो है दोनों, हमको तो नहीं कहीं खटपट लगा है, दोनों तो सेम ही सेम चल रहा है, देख लो ना यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, वाई तो फिर से यहाँ पे हो ही गया, तो इधर भी वही बात आ गया, एक दो मतलब। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इतना हो गया, फुलफिल ही हो गया, आप चेक कर लो ना यहाँ पे, देखो वाई और वी के बीच में जितना है वो वाई के राइट से, वाई के राइट से इसमें नौ है, ठीक है,
और वाई और एम के बीच में जितना है ना, ठीक है, उसका 3 गुना है, और वो भी लेफ्ट ऑफ वाई। तो लेफ्ट ऑफ वाई मतलब 1 2 3, ठीक है ना, मतलब वाई के लेफ्ट से 3 है और वाई के राइट से वी तक कितना है, 9 है। तो हो गया ना फिल फिल। अब ये दोनों सेम ही चला, चलो छोड़ने का कोई बात ही नहीं है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या ऑड नंबर आया है कि नहीं आया। ऑड मतलब विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लोग आ गया, काम मेरा हो गया बन, मतलब बन गया काम एकदम। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है ना, आप इजीली बना लोगे। ये इसमें टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लाइन जो होगा ना, हवा पहले से बन के आ गया कि नहीं, ऐसा रहता तो टफ ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं भाई। सब छोड़ते जाओगे तो बनाओगे क्या, प्रीलिम्स लेवल का तो है ना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, स्मार्टली प्ले करना एकदम पूरा। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ये वीडियो को शेयर कर दे ताकि सबको फायदा मिले। चैनल पर पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हो, दूसरी तीसरी बार है तो कमेंट कर दो ना, अच्छा तो लगेगा ना। लोग देखते हैं लेकिन कमेंट ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, पता नहीं उनको अगर पैसा पे करना होता तो जीवन में कभी नहीं करते ऐसा लगता है एकदम, है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, डेली टारगेट जो दिया जाता है उस टारगेट को पूरा करो, बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, टिक के।